आप चाहते थे ना कि मैं अपनी सच्चाई साबित करूं, तो ये देखिए। ये पायल वही पायल है जिसके बारे में मैं आपसे कल बात करने आई थी, लेकिन आपको मेरी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। ये है वो दूसरी पायल, पहचानिए इसे। ये वही जोड़ी है जिसकी एक पायल पिछले 5 साल पहले आपके पास थी और एक मेरे पैरों में। हमारे प्यार और पवित्र रिश्ते की निशानी बनके। शाबाश राधिका जी, शाबाश। बहुत ही अच्छा अभिनय किए हो, एकदम मन मोह लेने वाला। देखा दामाद बाबू, ठीक वैसन हो रहा है ना जैसा हम आपको बताए रहे। पूछिए इसे, पूछिए। इपायल अगर इनका पास था तो कल रात को इपायल काहे ना ही दिखाई। क्योंकि दूसरी पायल कनिका ने छुपा दी थी। नहीं अभी ये झूठ बोल रही है। झूठ मैं नहीं, तुम बोल रही हो। झूठ बोल सकती हूँ क्या? आपको मेरी आंखों में और मेरी बातों में सच्चाई नहीं दिखाई दे रही? बताइए ना। दामाद बाबू, ये दोनों पायल हूबहू एक ही है। कौन सा नकली है, कौन सा असली है, ये तो सोनार को भी कहना कठिन होगा। राधिका जी, ये पायल असली है। राधिका जी, कल रात आप ई पायल देख चुकी हैं। इका वास्ते अब आप हजारों ऐसन पायल ले आए, उसे कोनो फर्क ना ही पड़त है। ऐसी पायल बाजार में कौड़ी के दाम हजारों बिकती हैं। हाँ, कल रात को अगर ई पायल आप हमरा सामने लाई होती तो जरूर हम आपका बात सच मानते। आप इनकी बात मत सुनिए, आप अपनी दिल की आवाज सुनिए। यही तो हम कह रहे हैं दामाद बाबू, जो आपकी आंखों के सामने हुई रहा है उसको मत मानिए, बस केवल अपने दिल का आवाज सुनिए। आपको मेरी बात सुननी ही होगी, क्योंकि ये बात सिर्फ एक पायल की नहीं है, उस विश्वासघात की है जो ये लोग आपके साथ कर रहे हैं। अभी अभी कनिका ने खुद कहा है कि आप उसके पति अभय नहीं है बल्कि मेरे पति हैं। और ये लोग आप ही को मोहरा बनाकर आपकी राजपुरोहिती और हमारी धन संपत्ति लूटने इस घर में आए हैं। जिसे अपनी माँ जैसा मानते हैं ना, वो आपके साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात कर रही है। और आपको अपना बेटा नहीं मानती है बल्कि आपके भोलेपन और अच्छाई के साथ खिलवाड़ कर रही है, आपका इस्तेमाल कर रही है।
माताराम जी के खिलाफ मैं अब एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। आप ऐसा सोच कैसे सकती हैं उनके बारे में? मैं ये तो जानता था कि आप मुझे अभय की जगह देव बाबू साबित करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि आप वो साबित करने के लिए इतना नीचे गिर सकती हैं। देव, तू तो छोटी बहू से किस तरह से बात कर रहा है? क्यों, जब राधिका जी माताराम जी के बारे में ऐसी बातें कर सकती है तो उसकी तुलना में तो मैंने राधिका जी को कुछ नहीं कहा है। दामाद बाबू, क्रोधित काहे हो रहे हैं आप? नहीं माताराम जी, आपकी बेइज्जती होते हुए और आपके बारे में कोई बुरा भला कहे वो मैं नहीं देख सकता। मैं जानता हूं आप सिर्फ यहां मेरे वजह से रुकी हुई है। अगर आज के बाद माताराम जी के बारे में किसी ने भी कुछ भी कहा तो हम सब लोग ये घर छोड़ के चले जाएंगे। हम लोग यहां इस परिवार की सहायता करने आए, अगर इस परिवार ने अपने इरादे नहीं बदले तो मुझे अपना रवैया बदलना होगा। आज मेरे माता पिता की बरसी की पूजा है, उसके बाद मैं खुद आगरा जा रहा सच का पता लगाने। हाथ जोड़ता हूं मैं आप लोगों के सामने, मुझे और मेरे परिवार को अकेला छोड़ दीजिए, मत करिए परेशान। आइए माताराम जी, परसे की पूजा के लिए देरी हो रही है। बहुत भाषण दिए रहे हमका सतयुग कलयुग पे, बहुत आईना दिखाई रहे हमका, खुद आईना देख लिए ना, नजर आ गई ना अपना औकात। जय शिव शंभु। आइए बाबू, आसन ग्रहण कीजिए आप भी। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अरे बाबू, इस उंगली में इसको धारण करें। अपनी जीवित माँ की बरसी करने जा रहे हैं, ये पूजा नहीं बहुत बड़ा अनर्थ है जिसे आपको रोकना ही होगा। गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे।
तो अपनी ओर से पूरा प्रयत्न कर दिया कि ये बरसी पूजा ना हो, उनके सामने सच्चाई लाने की भी पूरी कोशिश की, लेकिन मैं असफल हो गई। अब आप ही को ये अनर्थ रोकना होगा कान्हा। गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे। अब आप भात के 9 पिंड बनाइएगा और उनको लिए केले के पत्ते पर रखते जाइएगा। गिरधर नागर राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे। मेरे परिवार ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है कान्हा, अच्छाई के मार्ग पर चले हैं हम, धर्म की रक्षा करने के लिए अपनी 7 पीढ़ियां दे दी है कान्हा, और उसके बदले में हमें यह फल मिलेगा। जवाब दीजिए कान्हा, अगर आज आपके होते हुए ये अधर्म हो गया तो कौन आपकी भक्ति करेगा? मैं जानती हूँ कान्हा, उनकी आंखों पर माता राम जी की झूठ की पट्टी बंधी हुई है, लेकिन अगर आज ये पूजा सफल हो गई तो सच हार जाएगा कान्हा। हर युग में बुराई का अंत करने के लिए आपने किसी न किसी रूप में जन्म लिया है कान्हा, इस बुराई का भी अंत आपको करना ही होगा। आप ये पूजा नहीं होने दे सकते कान्हा, इस अनर्थ को होने से रोक दीजिए। शगुन हो गया, पिंडदान अधूरा ही रह गया। अब इससे बरसी पूजा पूरी नहीं हो सकती। और इसको आगे बढ़ाना बहुत ही अनुचित और अशुभ होगा, अब कुछ नहीं हो सकता। जी आप पुरोहित सदन के बजाय सीधे आगरा चलिए। दामाद बाबू, एकदम आगरा जाए का विचार कैसे आ गया? माताराम जी, मैंने गौर किया है कि जब से हम दिल्ली आए हैं तब से कुछ ठीक नहीं हो रहा। आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया। दामाद बाबू,
हमका लगता है कि आज आपका आगरा जाना एकदम उचित नहीं है। क्यों माता राम जी? आज जो हुआ उसका बाद हमरा मन बहुत घबरा रहा है दामाद बाबू। लगता है कोनो और अशुभ ना हो जाए। के वास्ते हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करत हैं कि आज आगरा जाए का विचार छोड़ दीजिए, आज घर चलिए दामाद बाबू। ठीक है माता राम जी, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन आप मुझसे यूं विनती मत करिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। ड्राइवर, गाड़ी सीधे पुरोहित सदन ही लेकर चलता हूं। हे प्रभु, लागत है कि सब राजयोग आप ही की किस्मत में लिख दिया हो। अरे जल्दी से का याददाश्त वापस लाओ, हमारा भी कुछ अच्छा समय शुरू कर दे प्रभु। मैंने जो दवाइयाँ लिख कर दी हैं, उन्हें सुबह और शाम दे दीजिएगा, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। ठीक है जी, ठीक है। क्या हुआ राधिका जी, ठीक तो है? मैं ठीक हूँ। माँ जी की जरा सी तबीयत खराब है, पर आप चिंता मत कीजिए। और वैसे भी उनके जीवित होते हुए आप उनकी बरसी की पूजा करके आए हैं, और इससे बुरा उनके लिए क्या हो सकता है? इतना रोक टोक मचाए आप लोग घर से निकलने का वक्त कि पूजा का सारा सत्यानाश हुई गया। क्या? सबसे ज्यादा खुशी तो आपको मनाना चाहिए राधिका जी, सबसे ज्यादा प्रार्थना आप ही किए रही ना अपना भगवान का आगे। आपका सारा प्रार्थना स्वीकार कर लिए, ऐसा नजर लगाया आप लोगों ने कि पूजा संपूर्ण ही ना हुई पाई। लेकिन इसका दोष आप हमें मत दीजिए माता राम जी, ये तो आप भी जानती थी कि अगर ये पूजा संपन्न हो जाती तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। अच्छा हुआ कान्हा ने ये पूजा संपन्न होने से रोक दिया। तू तो हमरे संग चल, बहुत बात करे का है हम कत्तों से, चल। क्या हुआ माई, अब क्या किया मैंने? क्या किया ना ही पता है, जाई से पहले का जरूरत थी इतना बड़ा बखेड़ा करे का? जरूरत था राधिका और वो पूरा पुरोहित परिवार के सामने इतना बड़ा मुंह फाड़े का? तू तो का थोड़ा सा चिंगारी का दी, फट पड़ी तू सुतली बम का जैसे सबका आगे। तो माई मुझे क्या पता था कि वो राधिका इतनी बड़ी चाल चल रही है? दिमाग नाम का कोनो चीज होत है, उका इस्तेमाल करे से वो घिसना ही जात है कनिका रानी। कभी तो ऐसा कोई काम कर जिससे हमका भी लगे कि तू हमरा बेटी है। माई बोल का है बोल। माई हमरे आदमी लोगन का फोन आया रहा आगरा से, वो कहे सारा काम एकदम से ऐसे कर दिए जैसे आप कह रही, एकदम से पक्का इंजाम कर दिया, आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगी।